नमस्कार, मैं हूं रोहित कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। लालू यादव को आज मिलने वाली थी एक बड़ी राहत, लेकिन अब उनको करना पड़ेगा थोड़ा और इंतज़ार। दरअसल लालू यादव की तरफ से झारखंड के रांची हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई थी, उस पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन अब इस मामले की सुनवाई 12 जुलाई को होगी। टाटा घोटाला के मामले में शुक्रवार को राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव को रांची हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली। लालू यादव ने जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिस पर शुक्रवार को हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख यानी 12 जुलाई निर्धारित की है। अगली तारीख को बचाव पक्ष अपना जवाब दाखिल करेगा। लालू यादव चारा घोटाले के मामले में रांची की एक जेल में बंद हैं और फिलहाल वो इलाज के लिए रिम्स में भर्ती हैं। इस साल 29 मई को रांची की एक विशेष अदालत ने करोड़ों रुपये के चारा घोटाला मामले में 16 आरोपियों को दोषी ठहराया था और उन्हें 3 से 4 वर्षों की सजा सुनाई। एसएन मिश्रा की विशेष सीबीआई अदालत ने चाईबासा ट्रेजरी से फर्जीवाड़ा करके 37 करोड़ रुपए निकासी मामले में 16 लोगों को दोषी ठहराया था। अदालत ने इससे 11 लोगों को 3 साल और 5 अन्य को 4 साल की सजा सुनाई। सीबीआई की विशेष अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्रा को इसी मामले में 2013 में दोषी ठहराया था। सीबीआई ने बाद में 16 अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। इनमें से 14 चारे के सप्लायर थे, जबकि 2 सरकारी अधिकारी थे। सीबीआई की अदालत ने चारा घोटाले से जुड़े अब तक कुल 42 मामलों में सजा सुनाई है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।